हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रिडिक्शन मास्टर में, जहां आज मैं आपको बताऊंगा ब्राज़ील और सर्बिया के बीच में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आज का तीसरा मैच जो कि रसिया में खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस मैच का मैं आपको स्टार्टिंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊंगा, साथ में कुछ चेंजेज हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको स्टार्टिंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, कुछ ही देर में मैं कोस्टारिका और स्विट्जरलैंड का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं दोनों टीमों की क्या स्टार्टिंग 11 हो सकती है। अगर बात करें फ्रेंड्स, लास्ट मैच जो हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, तो ब्राज़ील ने इस मैच को जीत लिया था 1-0 से। हालांकि ये मैच जो लास्ट मैच हुआ था इनका 2014 में हुआ था, उसके बाद कोई मैच नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ये ब्राज़ील एक स्ट्रॉन्ग टीम है और एक बहुत ही मजबूत और कंटेंडर है वर्ल्ड कप फीफा जीतने का। तो फ्रेंड्स, ये मैच ब्राज़ील आसानी से जीत सकती है सर्बिया से। अभी भी ब्राज़ील का अभी टॉप 16 में जगह पक्की नहीं हुई है, तो इस मैच में वो अपने बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहेगी ब्राज़ील की टीम। तो आइए अब बात करते हैं क्या स्टार्टिंग 11 हो सकती है। तो एलिसन गोलकीपिंग करते हुए देखेंगे आपके पास, फिर फैगनर लेमोस जो कि डिफेंडर हैं, थियागो सिल्वा, मिरांडा, मार्सेलो, पॉलिनियो, कैसमीरो, कोटिनियो, विलियम, जेसस और नेमार। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग 11 ब्राज़ील की रहने वाली है। हालांकि नेमार, कोटिनियो और मार्सेलो को एक एक येलो कार्ड मिल चुका है, फिर भी येलो कार्ड मिलने के बावजूद भी इस मैच में ब्राज़ील की टीम इन तीनों प्लेयर्स को उतारना चाहेगी। वहीं बात करें फ्रेंड्स, तो डेनिलो जो कि हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से नहीं खेलेंगे और डोगलस कोस्टा भी इस मैच में नहीं खेलेंगे। अब आइए बात करते हैं फ्रेंड्स सर्बिया की स्टार्टिंग 11 की। तो एस्टोकोविक गोलकीपिंग करेंगे, फिर इवानोविक, मिलेनकोविक, टॉसिक, कोलरेव, मिलेनवोजेविक, मैटिक, टेडिक, मिलेनकोविक, सेविक, कॉस्टिक और मिट्रोविक। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग 11 सर्बिया की रह सकती है। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स दोनों टीमों की स्टार्टिंग 11। अब आइए बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। फ्रेंड्स, मैंने टीम ऑलरेडी बना रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें विकेट कीपर में आपके पास दो ऑप्शन गोलकीपर में आपके पास दो ऑप्शन एलिसन बेकर और व्लादिमीर एस्टोकोविक, दोनों ही अच्छे गोलकीपर हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस मैच में गोल लगने के चांस ज़्यादा हैं जो कि ब्राज़ील की टीम मार सकती है, तो इसलिए मैं एलिसन बेकर के साथ ही जा रहा हूँ। आप व्लादिमीर एस्टोकोविक को फ्रेंड्स आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, और एलिसन बेकर हो सकता है कि इस मैच में क्लीन शीट मिले और इनको 5 पॉइंट यूं ही एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो ये मेरे एलिसन बेकर को रख रहा हूँ, आप एस्टोकोविक को भी रख सकते हैं। वहीं बात करें डिफेंडर्स की, तो मैंने 5 डिफेंडर्स मार्सेलो, अलेक्सेंडर कोलरो, थियागो सिल्वा, फैगनर लेमोस और निकोला मिलेनकोविक। तो ये मेरे 5 डिफेंडर्स हैं। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है बता दूँ फ्रेंड्स, डेनिलो ये इंजर्ड हैं, ये नहीं खेलेंगे, तो आप इनको अपनी टीम में बिल्कुल मत रखना। उसके बाद टॉसिक आपके पास एक अच्छे ऑप्शन है, आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। इवानोविक को अपनी टीम में रख सकते हैं फ्रेंड्स। मिरांडा एक अच्छे ऑप्शन है, आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन थे उनको मैंने अपनी टीम में रख लिया है। वहीं बात करें फ्रेंड्स मिडफील्डर्स की, तो मैंने सिर्फ 3 मिडफील्डर्स पिक करे हैं, फिलिप कोटिनियो, ड्यूसन टेडिक और तीसरा जो मैंने पिक किया वो कैसमीरो। ये मेरे 3 मिडफील्डर्स हैं। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है बता दूँ, आप मिलेनकोविक सेविक को रख सकते हैं, पॉलिनियो एक अच्छे ऑप्शन है, आप इनको रख सकते हैं, विलियम अभी तक इन्होंने कुछ खास फॉर्म दिखाया नहीं लेकिन आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हैं। वहीं कॉस्टिक सर्बिया की तरफ से एक ऑप्शन है, और फ्रेंड्स बता दूं मिलोवेजेविक भी एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए हैं जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं, और नेमांजा मैटिक। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास मिडफील्डर्स में, लेकिन मैंने सिर्फ 3 पिक किए हैं, कोटिनियो, टेडिक और कैसेमीरो। वहीं बात करें फ्रेंड्स स्ट्राइकर की, तो मैंने सिर्फ 2 स्ट्राइकर्स नेमार और अलेक्सेंडर मिट्रोविक को रखा है। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है गैब्रियल जेसस, अभी तक कुछ खास इन्होंने परफॉर्म नहीं किया लेकिन आप ये कभी भी गोल कर सकते हैं, और अगर सर्बिया की बात करें तो एक वीक टीम है तो ये कभी भी गोल लगा सकते हैं, तो आप इनको अपनी टीम में अगर रखना चाहते हैं तो गैब्रियल जेसस को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स डोगलस कोस्टा ये आज का मैच नहीं खेलेंगे, तो प्लीज़ अपनी टीम में ना रखना ये, क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से ये आज का मैच नहीं खेलने वाले हैं। फ्रेंड्स अभी भी तकरीबन 10% ने लोगों ने इनको रखा हुआ है। तो ये हो गई फ्रेंड्स
आपके जो ऑप्शन थे मैंने बता दिया। भाई ये बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। कैप्टन मैंने फिलिप कोटिनियो को बनाया, वाइस कैप्टन मैंने मार्सेलो को बनाया। फ्रेंड्स आप वाइस कैप्टन यहाँ से नेमार को भी बना सकते हैं। नेमार पिछले मैच में इन्होंने गोल भी लगाया था और सर्बिया एक वीक टीम है तो ये गोल भी मार सकते हैं इस मैच में। तो आप नेमार को कैप्टन या वाइस कैप्टन रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है फ्रेंड्स। हालांकि मैंने मार्सेलो को लगाया वाइस कैप्टन, आइए आपके ऊपर, आप जिनको रखना चाहें उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन रख सकते हैं, या फिर अलेक्सेंडर कुलारो भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो मेरे वाइस कैप्टन मार्सेलो हैं और कैप्टन फिलिप कोटिन्हो। आइए एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। ए बेकर, मार्सेलो, ए कुलारो, लेमोस, टी सिल्वा, एन मिलेनकोविक, कोटिन्हो, कश्मीरो, टेडिक, नेमार और मिट्रोविक। तो फ्रेंड्स ये आज की मेरी ड्रीम इलेवन टीम। फ्रेंड्स जरूरी नहीं जो मैं टीम बनाया उससे आप जीतेंगे, तो एक दो चेंज अगर करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज सेम रहने दें। और कैप्टन और वाइस कैप्टन तो फ्रेंड्स खुद की चॉइस से रखें तो ज़्यादा बेहतर है। फ्रेंड्स नेमार एक अच्छे कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए चॉइस हो सकते हैं आज के मैच में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार फिर से आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और यूँ ही उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा और आप सबके लिए मैं यूँ ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।